नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। जामताड़ा के यज्ञ मैदान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 51 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर हुए एक दूजे के। आजसू नेता तरुण गुप्ता द्वारा आयोजित एक साथ 51 जरूरतमंदों के बेटियों को मिला सहारा। संवाददाता रतन कुमार मंडल, जामताड़ा। शुक्रवार को संध्या 6 बजे JBC स्कूल प्रांगण से गाजे बाजे के साथ बारात निकाली गई, जो बाजार होते हुए यज्ञ मैदान पहुंची। बारात में 51 दूल्हे राजा अपना दुल्हनिया लाने यज्ञ मैदान कार्यक्रम स्थल जा रहे थे। दूल्हे के साथ काफी संख्या में पीछे बारात चली। बैंड बाजा व ताशा की धुन पर नाचते हुए बाराती जा रहे थे। जगह जगह पर लोगों ने किया स्वागत, जिस वजह से 1 किलोमीटर सफर करने में 2 घंटे का समय लग गया। सामूहिक विवाह को लेकर एक और आयोजक समिति तो दूसरी ओर प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई थी। वही समिति की ओर से यज्ञ मैदान में भव्य मंच बनाया गया था। पुरोहितों ने गायत्री मंत्र एवं पूरे विधि विधान से हिंदू जोड़े की शादी कराई। शादी के दौरान धार्मिक मंत्र उच्चारण गूंजते रहे। वहीं बारातियों का मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर किया। आयोजक तरुण गुप्ता ने कहा कि सामूहिक विवाह में कुल 51 कन्याओं का विवाह धूमधाम के साथ किया गया। बारात में शामिल 1000 लोगों का खाना बनाया गया है। नए जोड़े को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए जा रहे हैं ताकि गृहस्थी में उन्हें सहयोग मिले। श्री गुप्ता ने कहा कि ऐसी शादियों से समाज में अच्छा संदेश जाएगा। गरीब लड़के लड़कियों का विवाह सामूहिक रूप से धूमधाम से होने से फिजूल खर्ची बचती है। इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किया जाएगा। गुप्ता ने बताया कि गरीब माता पिता अपने बच्चियों की शादी करने में परेशान हो जाते हैं। ऐसे में इस प्रकार का सामूहिक विवाह आयोजित होने से गरीब परिवार के लोगों का भी विवाह धूमधाम से हो जाता है। शादी भी बिना दहेज के होने से दोनों परिवार में खुशियां बढ़ती है और आर्थिक बोझ से लोग बचते हैं। यह सब बातें कहते वक्त तरुण गुप्ता काफी भावुक हो गए, बाद में आंसू तक निकल आया। अंत में श्री गुप्ता ने कहा कि जामताड़ा वासियों के सहयोग से इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हो पाया, सभी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यह कार्यक्रम देर रात तक चला। बातें आई है इस पूरा सामूहिक विवाह के समय बहुत सारी अड़चने आई और मैंने उस अड़चनों को सह करके आज आपके बीच में खड़ा हूँ। आज मुझे बहुत भीतर से कष्ट भी है और पीड़ा भी है कि मुझे इस काम को रोकने के लिए, इसको बंद कराने के लिए जो भी शक्ति लगाने का काम किया उसको करने का काम किया। मैंने इन बच्चियों के, इन जो बच्ची है सभी बाकी है और इन बच्चियों का हम लोगों ने दिवत रूप से सारा जो 18 वर्ष की बच्चियां होती है उनका आधार कार्ड, उनका उनका स्कूल का सर्टिफिकेट और उनका लोगों का जो उनका जो एज प्रूफ होता है, हमने वो हर चीजों को प्रशासन के पास जमा करने का काम किया। इनके बच्चों के परिवार ने मुझे जो भी दिया कि उनके उनके खुशी में मैं कोई भी कोर कसर नहीं रखूंगा, इतना मैं आज विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैंने कल इसलिए मेहंदी का रस में अक्षरा सिंह को बुलाने का काम किया और हजारों हजार इस जामताड़ा के लोग उस मेहंदी रस्म का गवाह बना। सिर्फ इसलिए बुलाने का काम किया कि इन बच्चियों को भी लगे कि उनके साथ पूरे जामताड़ा का लोग यहाँ पे उपस्थित है, इनकी खुशियों के साथ उपस्थित है, इनके हर सुख दुख में उपस्थित है। इसलिए इन बच्चियों के साथ हमने यहाँ पर उनको भी बुला करके इनको लगाने का एहसास कराने का काम किया कि आपकी खुशी में बड़े बड़े से बड़े लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। और मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दिया, लेकिन कभी मैं इस चीज को अपने जीवन में कभी नहीं होने देना चाहता हूं। और जब इन बच्चियों को देखता हूं तो मुझको लगता है कि ये हमारा बेटी है और जामताड़ा की हर बेटी जिसको मेरी जरूरत पड़ेगी उसके लिए आपने जीवन का एक एक कथा देने का काम करूंगा, इतना मैं विश्वास दिलाने का काम करता हूं। आज इन बच्चों की विदाई समारोह में